निष्ठा, सेवा, त्याग तथा हार्दिक प्रेम के गुणों के कारण भारतीय नारी को विश्व नारी रत्न के रूप में मानता है। पति सुख के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना भारतीय पत्नी के जन्मजात संस्कारों में से एक है। इसका बहुत सुंदर तथा उचित उदाहरण है करवा चौथ का व्रत। सूर्योदय से लगभग एक प्रहर पूर्व उठकर सुहागिने नित्य क्रियाओं से मुक्त होने के पश्चात करवा चौथ व्रत का आयोजन करती हैं। सर्वप्रथम वे मन ही मन अपने पति को स्मरण करती हैं तथा उसकी लंबी आयु के लिए आज के व्रत का संकल्प लेती हैं। तत्पश्चात सत्य मनाहु निष्ठापूर्वक विघ्नेश्वर भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। हे देवों के भी देव, बिना आपकी कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आज मैं अपने पति की लंबी आयु एवं मंगल के लिए करवा चौथ व्रत करने वाली हूँ। हे देवेश, मुझ पर कृपा करना ताकि मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। सदा अंग संग रहे, शुभ लाभ
सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। प्रतिमा का साथ है। वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम झनकार आपके साथ में अब हो चुका है। प्लैनेट एफएम 104.6 का प्रसारण है ये। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा। आज अगर आपको मौका नहीं मिला, आज से लेकर 7 दिनों के भीतर में आप जाकर कोई भी समय हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और आज का सारा प्रोग्राम आधारित है करवा चौथ पर। महिलाओं को करवा चौथ के व्रत का हर साल खास तौर पर इंतज़ार रहता है और ये सुहागनों का व्रत है जिसे करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है वे बड़े उत्साह के साथ पहली बार इस व्रत को रखती हैं और उनके मायके से फल मिठाई खांड के जो करवे आदि सामान भेजा जाता है। और कैसे शुरू हुआ ये व्रत, इसके बारे में 5 पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे जीवन में आने वाली मुश्किलें दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से इसी तरह पूछा था। भगवान शंकर ने उन्हें करक चतुर्थी व्रत या कथा सुनाई थी। इंद्र प्रस्थपुर नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था और लीलावती के 7 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। तो पुत्री का नाम वीरावती रखा गया और बड़ी होने पर उसकी शादी कर दी गई। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ आई तो अपनी 7 भाभियों के साथ वीरावती ने व्रत रखा। संध्या में पूजा के बाद सब चंद्रमा निकलने को इंतजार करने लगे। वीरावती कभी देर तक भूखी प्यासी नहीं रही थी, वह बेहोश हो गई। भाइयों से लाडली बहन की ये हालत देखी नहीं गई और एक भाई हाथ में मशाल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। भाइयों ने वीरावती को बताया कि चांद निकल आया है। वीरावती ने चंद्रमा को श्रद्धा से अर्ध्य देकर भोजन कर लिया। उसने नियम तोड़ा था जिससे उसका पति अदृश्य हो गया। दुखी होकर वीरावती ने 1 साल तक निराहार व्रत किया। एक दिन देवता इंद्र की पत्नी इंद्राणी स्वर्ग से पृथ्वी पर ये व्रत करने आई।
उसने वीरावती से इसका विधान पूछा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है ऐसे इंद्राणी को आदर भाव से बताया और उसने उन्हें भूल होने पर अपने पति के अदृश्य होने की बात भी बताई और इसके बाद वीरावती ने इंद्राणी के साथ विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। खुश होकर इंद्राणी ने एक चुल्लू अमृत वहां छिड़क कर और जहां वीरावती का पति अदृश्य हुआ था तभी वह प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण से ये व्रत कथा सुनकर द्रौपदी ने चतुर्थी व्रत रखा और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव के कारण महाभारत में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात पत्नी आदि पुरुष भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए उनके मोक्षदायक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मनोकामना पूर्ण करने वाले नीलकंठ त्रिपुरारी के श्री चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करती हैं। हे कैलाशपति, पति पत्नी के संबंध को आपसे अधिक गहराई से कौन जान सकता है। महामाया सती ने जब अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी तो आप उनके पार्थिव शरीर को कंधों पर लेकर किस प्रकार विक्षिप्त रूप में घूमने लगे थे। हे दीनानाथ, पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। हे पार्वती वल्लभ, हमारी प्रीत भी अटूट रहे और हम कभी भी विछोह की ज्वाला में न जलें, इतनी कृपा इस दासी पर अवश्य करें।
पश्चात नारियां आदिशक्ति जगत माता भगवती दुर्गा से इस प्रकार निवेदन करती हैं। हे कल्याणी, हम आपकी ही संतान हैं, अतः आप ही का रूप हैं। जितनी कठोर तपस्या आपने पार्वती रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए की थी, उसका तो हम करोड़वां हिस्सा नहीं कर सकती। माया मोह के पाश में बंधी हुई हम मात्र आपके श्री चरणों का आश्रय ही ले सकती हैं। आप आदि कल्याणी हैं, करुणा व कृपा की अनंत सागर हैं। हे दयानिधे, मेरे पति की चिरायु हो, सदैव उनका मंगल हो, इतनी कृपा तो आपको करनी ही होगी। आपके श्री चरणों से हरेक को हर कुछ हर समय मिलता है। हे भक्त वत्सला, आपकी लीलाएं आपके भक्तों को हार्दिक आनंद देने वाली होती हैं। मैं भी आपके ही आश्रय हूं, मेरी भी आशा पूर्ण करना।
कर्क चतुर्थी यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को करवा चौथ व्रत पर्व होता है। इसके लिए सभी प्रबंध एक दिन पहले ही पूरे कर लेने चाहिए। प्रातः से लेकर दोपहर तक सुहागनों को धार्मिक प्रवचन पाठ इत्यादि में मन लगाना चाहिए। भाव मात्र इतना होता है कि मन की शुद्धता बनी रहे। भाव शुद्धता किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक होती है। थकन क्रोध व क्षोभ वृत्तियों को अशांत करते हैं, इसीलिए करवा चौथ वाले दिन काटना, सीना, पिरोना, कपड़े धोना तथा अन्य थका देने वाले तथा घायल होने के डर वाले काम करने से मना किया गया है। करवा चौथ के दिन सास का भी पूजन होता है। सास को बायना देने का अर्थ यही है। करवा चौथ का व्रत नारियों में सहज स्नेह तथा हार्दिक शुभकामनाओं का भी प्रतीक है। करवा बदलने का अर्थ यही है कि सभी एकत्रित नारियां एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। दोपहर पश्चात नारियां सुंदर परिधानों में सजकर पूर्ण श्रृंगार करके किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी बुजुर्ग स्त्री पंडितायन इत्यादि से कथा सुनती हैं। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पति पूजन करके सासू जी का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है और तभी भोजन किया जाता है। तीज के दिन अर्थात व्रत से एक दिन पहले इन वस्तुओं का प्रबंध अवश्य करें। एक मिट्टी का करवा, यदि ऐसा संभव न हो तो किसी अन्य शुद्ध बर्तन का भी उपयोग किया जा सकता है। करवे में डालने के लिए गेहूं, प्राचीन पद्धति तो यही है किंतु कालांतर में बादाम का प्रयोग भी होने लगा है। रोली, मौली, चावल, गुड़, धूप, पुष्प एवं पुष्प मालाएं तथा श्रृंगार का सामान सासू जी को देने के लिए उपहार। सासू जी के अतिरिक्त यदि आप किसी अन्य को बायना देना चाहें तो उसका भी प्रबंध कर लें। यदि कथा किसी अन्य से सुननी हो तो उसे सामर्थ्य अनुसार देने के लिए उपहार। एक छलनी जिससे कि चंद्र दर्शन किया जा सके। जल के लिए एक शुद्ध पात्र। एक थाली। गुंधे आटे से बनी ज्योत या दिया या उसका कोई स्थानापन्न। चौथ सुबह तारों के आकाश में रहते रहते कुछ अल्पाहार लेने का प्रबंध। अपनी सामर्थ्य अनुसार धन। चौथ प्रातः एक प्रहर रात्रि रहते ही उठकर स्वस्थ व शुद्ध होने के पश्चात एक थाली में गुड़, चावल, रोली, मौली, धूप तथा ज्योति के साथ कुछ मुद्राएं रखें। पूर्ण निष्ठा सहित श्री गणेश, भगवान शिव एवं जगत जननी का पूजन कर आशीर्वाद लें। इसके पश्चात यदि सासू जी हों तो उनका पूजन करके आशीर्वाद लें, अन्यथा मानस पूजन करें। इसके बाद पति पूजन करें। यदि वो संग न हो तो उनके चित्र का अथवा मानस पूजन करें। करवे में सामग्री भरकर उस पर ढक्कन रखें। ढक्कन में चीनी या गुड़ के साथ कुछ मुद्राएं भी रखें। पूजन की थाली में रखी ज्योत का ध्यान रखें, ये चंद्र दर्शन तक जलती रहनी चाहिए। शुद्ध, शांत व स्थिर बुद्धि सहित पति की चिरायु की कामना करें। आकाश में तारों के रहते रहते ही अल्पाहार ले लें तथा पानी पी लें, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। तीसरे पहर सुंदर परिधान धारण करके तथा पूर्ण श्रृंगार करके कथा सुनें। कथा सुनने के पश्चात सासू जी को बायना अर्पित करें। उससे पूर्व कथा कहने वाली को सम्मानित करें। करवा चौथ के महात्म्य की कई कथाएं हैं, प्रस्तुत हैं कुछ कथाएं।
बहनों, बेटियों और माताओं, यह बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक नदी के किनारे एक निर्धन दंपति रहती थी। दोनों युवा थे। पत्नी का नाम था करवा और पति का नाम था चंद्रमोहन। निर्धन होने पर भी दोनों में आपसी प्रेम इतना गूढ़ था कि उन्हें कोई कमी अखरती नहीं थी। बहुत सुख शांति से दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन प्रातःकाल, जबकि करवा गृहस्थी के कार्यों में लगी हुई थी, उसे बाहर से अपने पति का चीत्कार सुनाई दिया। बेहाल करवा भागती हुई नदी तट पर पहुंची तो क्या देखती है कि एक मगर ने चंद्रमोहन के पांव को ग्रस रखा है। करवा सती थी, निष्ठा पूर्वक अपने पति को समर्पित थी। उसने ईश्वर का ध्यान करके ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सत्य माना हो आज तक अपने पति की सेवा, पूजा और अर्चन की है, तो इनका क्लेश इसी क्षण समाप्त हो जाए और इन्हें दुख देने वाला ये मगर इसी समय नरक गामी हो जाए। करवा की यह प्रार्थना करते ही चंद्रमोहन यानी कि करवा का पति तो मगर के पास से छूट गया, किंतु मगर वहीं पर रहा। इतने में ही यमदेव स्वयं प्रकट हो गए और करवा को प्रणाम करके बोले कि हे सती, तुम्हारी आज्ञा से बंधा मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारी इच्छा है कि अभी इसी समय ये मगर नरकगामी हो, किंतु विधान के अनुसार इसकी अभी कुछ आयु शेष है। तुम्हारे आदेश को, सती के आदेश को सृष्टि की कोई ताकत रोक नहीं सकती, किंतु यदि विधान का लिखा बदल गया तो सारी सृष्टि उलट पलट होके रह जाएगी। इसलिए बेटी करवा, मेरी प्रार्थना है कि तुम कुछ भी मांग लो, किंतु मगर को इसी समय नरकगामी होने की इच्छा का त्याग कर दो। तब तक दुख, भय और क्रोध के भावों को करवा त्याग चुकी थी। उसने भक्ति पूर्वक यमराज जी की स्तुति की, चरण वंदना की और कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आवेश वश में ऐसा कह चुकी हूं। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई है तो मैं अपनी इच्छा वापिस लेती हूं। यमराज अतीव प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा, हे बेटी करवा, आज के पश्चात, आज की चौथ के दिन हर सन्नारी अपने पति की चिरायु और मंगल कामना के लिए एक व्रत किया करेगी और उस व्रत का नाम होगा करवा चौथ। और बेटे चंद्रमोहन, करवा के तुम पति हो, तुम्हारे नाम को सार्थक करते हुए चंद्रदेव की जब तक पूजा ना कर ली जाएगी तब तक सन्नारियों का व्रत पूर्ण नहीं होगा। तो बेटियों, तब से करवा चौथ का विधान हुआ है। जीवन नैया की वो ही पतवार, मेरा
बहनों, बेटियों और माताओं, बहुत पुरानी बात है कि राज परिवार से संबंधित सात भाइयों की इकलौती बहन थी जिसका नाम था शुभा। सुंदर, सुकोमल, सदाचारिणी बहन की समय पर एक राजकुमार के साथ शादी हो गई, लेकिन भाइयों का इतना गहन स्नेह था अपनी बहन के साथ कि वो बहाना ढूंढते थे कि किस प्रकार अपनी बहन के घर जाके उसको देख सके। ये प्रेम चलता रहा, समय व्यतीत होता रहा। एक बार सातों भाई उस दिन शुभा के घर पहुंचे जिस दिन करवा चौथ का व्रत था। उन्होंने जाते ही देखा कि उनकी बहन का चेहरा कुमलाया हुआ है। बातचीत से पता चला कि आज तो करवा चौथ का निर्जला व्रत है, लेकिन भाइयों का स्नेह अपनी बहन की दशा देखकर चीत्कार कर उठा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था वैसे वैसे ही शुभा की दशा और शोचनीय होती जा रही थी। जैसे ही नभ में तारा मंडल उदित हुआ, शुभा प्यास के मारे मूर्छित हो गई। भाइयों से सहन ना हो सका, उन्होंने गुपचुप आपस में बातचीत की और एक मत एवं एकजुट होकर घर से बाहर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही एक घने पेड़ों के झुंड के पीछे उन्होंने बहुत सा ईंधन एकत्रित करके आलाव चला दिया। उस बड़े आलाव का प्रकाश पेड़ों के झुंड के ऊपर से इस प्रकार प्रतीत होता था जैसे कि चंद्रमा उदय हो रहे। वहां से भागे हुए वो शुभा के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए छत तक ले गए और दिखाया कि देखो बहन, चंद्रोदय हो गया है। अब बहन तो अर्धमूर्छित थी, उसने भी ध्यान नहीं किया और चंद्र दर्शन करके पानी पी लिया। अब पति पूजन के लिए जैसे ही वो अपने पति के कक्ष में पहुंची तो देखकर सिहर गई, चीत्कार कर उठी कि उसका पति सुइयों से बिंधा हुआ शैया पर पड़ा। रोती बिलखती शुभा ने कुल गुरु के पांव पकड़े। तब कुल गुरु ने उन्हें बताया कि देखो बेटी, एक वर्ष तक तुम्हें इसी कक्ष में रहकर अपने पति की सेवा करनी होगी और प्रतिदिन भक्ति सहित एक सुई उनके शरीर से निकालनी होगी। आने वाली करवा चौथ को जब के तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। शुभा सन्नारी थी, वो अपने इस नियम को करती रही। वर्ष पूरा होने को आया, उस दिन तीज का दिन था। वो कक्ष में पति की एक सुई निकाल चुकी थी तभी बाहर से करवा बेचने वाली का स्वर सुनकर वो बाहर चली गई। इतने में दासी अंदर आई, उसने देखा कि राजकुमार वैसे तो स्वस्थ हैं किंतु एक सुई मस्तक में चुभी हुई है। उसने आकर वो सुई निकाल दी। राजकुमार राम राम करते हुए उठकर बैठ गए। जैसे ही शुभा घर में आई वो देखकर हैरान रह गई कि पति उस दासी को तो निहार रहे हैं, उसकी ओर देख भी नहीं रहे। शुभा फिर कुलगुरु के पास पहुंची। उनका बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है, तुमसे इतना ही अपराध हुआ है कि तुमने वो कक्ष छोड़कर नहीं जाना था, गई ये उसी का संताप तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम निष्ठापूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। शुभा ने व्रत किया, चंद्रोदय के पश्चात
ईश्वर आराधन करती हुई जैसे पति पूजन के लिए पहुंची और झुककर पति के चरणों में प्रणाम किया तो राजकुमार कहने लगे, शुभा मेरी प्रिय पत्नी तुम, यानी कि जो दोष था वो दूर हो गया, इतना महात्म्य है करवा चौथ व्रत का। आप भी सभी सुखी रहें, आपके घरों में मंगल रहे, आपके पति की चिरायु हो और आपकी प्रेम लौ सदा बढ़ती रहे, हमारी यही कामना है। आपके मन में सदा यही भावना रहनी चाहिए। बेटियों और माताओं, पत्नी रूप में पति के लिए पत्नी का सर्वोन्मुखी धर्म होता है समर्पण। जब प्राणी सत्य मना हो पूर्ण रूप से किसी के समर्पित हो जाता है तो सामने वाले के मन में भी प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है और यही जो आंतरिक प्रेम है धीरे धीरे आत्मिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। क्षमा चाहते हुए मात्र इतना कहूंगा कि एक दिन करवा चौथ का व्रत करके आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप दूसरे दिन मन में से समर्पण का भाव निकाल देंगे, यदि यह समर्पण का भाव सदा रहेगा तो सदा आपको सिद्धि प्राप्त होती रहेगी। सदा ही मन में अगर यही भाव रहे कि मेरा तो हर सुख पिया जी का साथ, तो आपको हर सुख प्राप्त भी होगा। देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी शक्ति मिली, पूरण हो सभी का। श्री गणेशाय नमः। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहें जिससे कार्तिक को प्राप्त कर सुव्रत लोग जिएं। ब्रह्मा जी बोले,
हे पुत्र सुनो, ये व्रत पापों का नाश करता है, वो परम पवित्र है और सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष रूप से ये व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के करने से उनका सुहाग सदा अटल रहता है। नारद जी बोले, महाराज किस महीने में, किस तिथि में और किस विधि से इसे किया जाता है, पूजा की सामग्री क्या होती है व किस समय भोजन करना चाहिए, आप ये सब विधि कहें। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन ये व्रत किया जाता है और तीज की तिथि को संकल्प किया जाता है। स्त्रियां प्रातःकाल उत्साहपूर्वक नदी, संगम, सरोवर, देवकुंड, कूप या घर में ही शिर से स्नान आदि करें और पवित्र मन से तथा कर्म और वाणी से विधाता का स्मरण करके व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे जगत के कारण, देवताओं के स्वामी, सृष्टि की रचना करने वाले, मेरे पति की सदा रक्षा करो, मेरा परिवार बढ़ाओ। व्रत करने वाली स्त्री को संपूर्ण श्रृंगार व तरह तरह के आभूषण पहनना शुभकारी होता है। दिन भर भोजन व पानी नहीं पीना चाहिए, गीत भजन पूजा पाठ में ही पूरा दिन बिताना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सायंकाल हमारा उत्सव करें, ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, सोना चांदी मणि तांबा या मिट्टी या गोबर की ही प्रतिमा बनाएं, लाल वस्त्र उढ़ाएं, यत्न से चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल या दक्षिणा इनसे पूजा करें, इस प्रतिमा के सामने पात्र में दूध डालें। हे ईश्वर, मुझको पुत्र नाती सहित धन संपत्ति प्रदान करें, हमेशा ऐश्वर्य के लिए दासियां दें। ऐसा कहकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को दक्षिणा और अनेक प्रकार के दान करें, ऐसा करने से सुख मिलता है। इसी तरह अपने कुल वृद्धों को तथा वृद्धाओं को संतुष्ट करें। अब कुल वृद्धा किसे कहते हैं सुनो, सास ननंद या फूफिया सास, ये सब कुल वृद्धा कहलाती हैं। इनका दान मान और प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इनको भेंट प्रदान करके चरण छूने चाहिए, जिसके करने से कुल सुखी होता है। रात्रि को चंद्रमा को देखकर अर्घ चढ़ाकर पानी पिए तथा भोजन करें। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप, मुख में नाम, पेट में नैवेद्य, मस्तक में निर्माल्य धारण करती है, सो ही पतिव्रता है। अंत में ये मंत्र कहें, हे प्रभु, आपकी प्रीति के लिए ये व्रत मैंने किया है, इसमें जो कुछ भी कमी हो वो आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। जो मनुष्य इस कथा को भक्तिभाव से सुनता सुनाता है वो निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। सत भरा सी, सत्ता भरावां दी वीरो इको पैण सी। करवा चौथ ते वरत दा दिन आया, वीरो ने अपनी भाबियां दे नाल ए वरत रखिया। वीरो नू भुखी प्यासी देख के उहदे भरावां ने जंगल च दूर जा के अग ला के चंद्रमा जई रोशनी कर दित्ती। Bye.
घर आके पैन नु किया, देख वीरो तेरा चन चढ़ आया। वीरो ने पूछया, भाबियां दा चन ता चढ़िया नहीं, मेरा चन किस तरह चढ़ गया? प्रावान ने लाडली और अंजान पैन नु किया, तेरिया भाबियां दा चन भी चढ़ जाएगा। ऐस भुलेखे विच आके वीरो दा वरत टुट गया। ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆਇਆ, ਕਰਵੜੇ ਵਿਕਨ ਆਏ। ਵੀਰੋ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜੇਗਾ। वीरू अपनी दासी नू राजा दे कोल सुइयां कड़न वस्ते बठा के आप वरत दी पूजा ले चली गई। उधर जिस तरह ही पूजा खत्म हुई, इधर दासी ने राजा दी अखीरली सुई कड़ दित्ती। राजा गहरी नींदर विचो उठ पिया ते दासी नू ही अपनी रानी समझन लगा। गोली सी सो रानी होई, रानी सी सो गोली होई। वीरो बड़े दुख विच पै गई। एक दिन राजा प्रदेश जा रहा सी, रानी जेड़ी असल विच दासी सी ओ राजे नू खूब सारे गहने लियान नू कहंदी है। वीरो विचारी सिर्फ एक गुड्डी दी मांग करदी है। राजा वापस आके उन्हां दोनों नू अपनिया अपनिया चीजा देंदा है। वीरो दासी अपने दुखड़े सदा गुड्डी नाल फोलदी रहंदी है। राजा जदो वीरो दे मुंह रानी सीसो गोली होई, गोली सीसो रानी होई सुनदा है, राजे दे अग्गे सारा सच आ जांदा है। वीरो दी सारी कहानी सुन के राजा वीरो नू गले ला के उनू अपनी रानी स्वीकार करता है। गोली सी सो गोली होई, रानी सी सो रानी होई। गणेश जी दी कृपा नाल वीरो दे दिन फेर तो हरे परे हो जांदे ने। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਓ। ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਵਾਰ ਵਰਤੇ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ,
सुहाग रानी दा सुहाग पाग, दुध नाल, पुत नाल, रिजक नाल, पाग नाल, जैसा राज वैसा पाग। हुन हाथ विच पानी लेके सब अपना अपना बया मनसो। बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपका मन भाया है। सारा प्रोग्राम आधारित रहा करवा चौथ पर। हमारी मुलाकात आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से आपके साथ होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और किमचू। भूलना मत www.planetaudio.org.nz/झनकार पर हमारे प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चंद्रमा नू अरग देन वेले सारियां एयो गल कवो। सुहाग पुड़ी सिर तरी, पैरां पाई सुंदर कड़ी, सुहागन पागन चंद्रमा नू अरग देन दी चबारे खड़ी। नारी के जीवन में लोगो, नारी के जीवन में लोगो, आया कष्ट अपार, सुहागन खूब बैठी, करवे के दिन भरतार, सुहागन खूब बैठी। नारी के जीवन में लोगो, नारी के जीवन में लोगो, आया कष्ट अपार, सुहागन खूब बैठी, करवे के दिन भरकार, सुहागन खो बैठी। एक भाइयों के प्यार ने भैया झूठा चंदा आप बनाया, सोचा क्या उपवास में रखा, इसको अंधविश्वास बताया, झूठ का खेल रचाया, देखो झूठ का खेल रचाया, वैरी बना वीर का प्यार, सुहागन खो बैठी, करवे के दिन भरकार, सुहागन खो बैठी। भोली कन्या पर ये कैसा कष्ट है आया, भोली भाली कन्या पर ये कैसा कष्ट है आया, ओ दुख भंजन ओ दुख हरता, ये क्या खेल रचाया, बनकर पिता सकल सृष्टि के कैसा धर्म निभाया,
कैसा धर्म निभाया प्रभु तूने, कैसा धर्म निभाया, तुझे कहेगा क्या संसार। सुहागन खो बैठी करवे के दिन भरतार, सुहागन खो बैठी। देवियों ने ली कठिन परीक्षा, वीरा ने जत सत नहीं हारा। धन्य धन्य पतिवरता नारी, देह पर दुख सहा अति भारी। रहती दुनिया तक यश तेरा, रहती दुनिया तक यश तेरा। गाएगा संसार सुहागन खो बैठी, करवे के दिन भरतार, सुहागन खो बैठी। करवे के दिन भरतार, सुहागन खो बैठी। अंत में जीत सती नारी की, महिमा है ये पति प्यारी की। करवा चौथ कथा सिखलाए, कष्ट में नारी ना घबराए।